के जितने निवासी हैं सुबह सुबह कर रहे हैं मॉर्निंग वॉक, और यहाँ का मौसम काफी प्लीजेंट है। मतलब मौसम देखिए, कुछ लोग तो इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि पीठ पे ये बादका से सारे पत्थर रखे हुए हैं और वो उसको पहन के ऐसे वॉक कर रहे हैं इतनी चढ़ाई पे। बहुत समय भी ये भी क्या पता आर्मी की तैयारी कर रहे हो यहाँ। ये हो सकता है बहुत सारे लोग हैं ऐसे पीठ में यूं बांध के लेके आ रहे हैं। हाँ यार, जल्दी आओ पापा, जल्दी आओ मम्मी, ये गुफा के अंदर घुस जाओ। तो अभी देखिए कैसे रास्ते में गाड़ी चलानी पड़ रही है। ये एक शिव जी की जो मंदिर टेम्पल है ना, तो ये वहाँ ही रास्ता जा रहा है। निहार का पापा लोग सब लोग परेशान है क्योंकि मैं इनको पिछले कई दिन से सोने नहीं दे रहा हूँ। मैं सुबह उठाता हूँ रोज 4 बजे, तो सुबह 4 बजे इनको उठाता हूँ। तो क्या क्या हम लोग घूमने आए होते हैं ना, तो घूमने सोते सिर्फ घूमने में कंसिडर करना चाहिए, सोने में नहीं। सोते तो आदमी घर जाके भी है। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि व्लॉग्स। तो फिलहाल कल शाम हम लोग पहुंचे थे पोखरा। पहुंचने के बाद हम लोग थोड़ा रात का पोखरा के मालरोड का नजारा लिया था। हल्का फुल्का लेक दिखाई देते लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई देते। तो आज निकले हम लोग पोखरा भ्रमण में, और आप लोग को बताऊंगा कहाँ कहाँ पोखरा में घूम सकते हैं। सुबह 5 बजे में उठा था, तो फिलहाल हम लोग सनराइज, मॉर्निंग का सनराइज काफी अच्छा होता है पोखरा में, तो उसे देखने के लिए आपको जाना पड़ता है 9 किलोमीटर दूर। यानी कि 9 किलोमीटर दूर हम लोग को जाना पड़ रहा है सारंगकोट, जहाँ पैराग्लाइडिंग भी होती है, और वहां से आपको पूरा पोखरा का व्यू भी बहुत अच्छा मिलेगा और साथ साथ में आपको सनराइज का मौका मिलेगा। खैर, हम लोग सुबह निकले थे होटल से करीब 5:45 बजे। थोड़ा सा उजाला हो गया, सनराइज हमको देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। 4 लोग होते हैं, 4 लोग तैयार होने में टाइम लगता है। अगर मैं खिलाता तो आपको पक्का दिखाएगा। तो देखिए कुछ पोखरा की गलियां, साथ साथ में पोखरा के सारे खूबसूरत नजारे। सारंगकोट का हो गया है हिली एरिया स्टार्ट, मतलब गाड़ी बिल्कुल पिकअप बिल्कुल नहीं ले रही है। आप देख सकते हैं पोखरा के जितने निवासी हैं सुबह सुबह कर रहे हैं मॉर्निंग वॉक, और यहाँ का मौसम काफी प्लीजेंट है। मतलब मौसम देखिए, कुछ लोग तो इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि पीठ पे ये बादका से सारे पत्थर रखे हुए हैं और वो उसको पहन के ऐसे वॉक कर रहे हैं इतनी चढ़ाई पे। बहुत समय भी ये भी क्या पता आर्मी की तैयारी कर रहे हो यहाँ। ये हो सकता है बहुत सारे लोग हैं ऐसे पीठ में यूं बांध के लेके आ रहे हैं। तो यहाँ से हिल्स एरिया स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ बहुत अच्छी चिड़ियाओं की आवाज़ बहुत अच्छी अच्छी है। और देखो लोग, आधे लोग तो घूम के अभी गए, मतलब लोग इतने जागरूक हैं और डिसिप्लिन्ड काफ़ी है नेपाल वाले लोग। मैंने देखा कि मास्क, देखो आजकल सब लोगों ने पहनना छोड़ दिया लेकिन इधर फिर भी पहनते हैं लोग। पीछे देख सकते हैं पोखरा के हम लोग आए हैं सांगरकोट के पीछे के नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है। इधर हो रहा है सनराइज, उधर है पूरी पोखरा सिटी, इधर पूरा दिखाई दे रही है हिमालयन रेंज। जो सामने गोप्रो में दिखाई देगा, मैं आपको कैमरा मोबाइल से दिखा बना के दिखाता हूँ एक वीडियो उसका, उसके बाद
कि इतना व्यू बहुत जबरदस्त है, मतलब व्यू इतना जबरदस्त है, पीछे आ रखे हैं बहुत सारे लोग। और भी हम लोगों ने किए चाय ऑर्डर, एक्चुअली वहाँ पे था, वहाँ से बहुत सा व्यू था, लेकिन वहाँ आपको 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे अगर उसके टॉप में जाना है 1% में, और इंक्लूडिंग मतलब टी, इंक्लूडिंग टी आपको मतलब 50 रुपये फ़ोटो वोटो खिंचाने के उसके ऊपर, और 50 रुपये चाय, मतलब 100 रुपये देने पड़ेंगे। तो यह है खूबसूरत नज़ारा पोखरा का सारंग कोट से, और इधर ही कहीं होती है पैराग्लाइडिंग भी इसी के आसपास से। अरे हल्का का कोहरा, तो उसकी वजह से हिमालय रेंज दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आप सामने देख सकते हैं ये वाले पे, इस पीक पे, ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी हिमालय रेंज दिखाई दे रही है चारों ओर। वो नीचे है पूरी सिटी, देखिए आप पोखरा, इस साइड भी, अभी मैं आपको उस साइड भी दिखाऊंगा, उस साइड भी का नज़ारा भी आपको दिखाता हूँ। और साथ में लगे हुए यहाँ पर देखिए बुरास के फूल, ये जो हमारे यहाँ पहाड़ों में भी होते हैं उत्तराखंड में, वो बुरास के फूल यहाँ पर भी लगे हुए हैं। और यहाँ का मौसम है काफ़ी ठंडा, अभी ऊपर एक और पीक है, देखिए ऊपर जाके अगर उधर जाने का मौका लगा है तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे। तो नीचे देखिए वहाँ से दिखाई दे रहा है लेक, वो नीचे बिल्कुल आपको लेक भी दिखाई देती है यहाँ से। तो सामने ऊपर अभी हम जो नीचे वापस आ रहे थे, तो सामने लेक का नज़ारा दिखाई दे रहा है, वो वहाँ पर लेक दिखाई दे रही है बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मतलब सारंगकोट, तो ऐसे यहाँ से सारंगकोट जाने का अंदर से रास्ता है इस हाईवे से, इसी के सिख सामने है विंध्यवासिनी टेम्पल। तो हम लोग जा रहे हैं विंध्यवासिनी टेम्पल विजिट करने के लिए। तो आप सेकंड डेस्टिनेशन पोखरा में इसको भी बना सकते हैं सनराइज देखने के बाद। ये उसका गेट है देखिए विंध्यवासिनी टेम्पल का, और साथ साथ में मार्केट भी है बिल्कुल प्रसाद साथ की। ये देखिए ये शानदार नज़ारे। तो मंदिर में लगी हुई लंबी लंबी लाइन, यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और ऊपर आएंगे आराम से। आगे कहीं पे इसकी लिफ्ट भी है, तो आप आगे जाके लिफ्ट से भी जा सकते हैं। डेस्टिनेशन वो है गुप्तेश्वर महादेव गुफा प्रवेश द्वार, यहाँ पे है, यहाँ पे डेविस फॉल भी है, आप दोनों एक साथ घूम सकते हो यहाँ पे आके। तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप, जिस शॉप पर आप कर सकते हो शॉपिंग, पीछे कपड़े अपड़े ये सब कुछ लगी हुई है मार्केट। और इधर है कहीं पे गुफा जाने बाटो, यानी गुफा जाने का रास्ता वे टू केव। हेयर द कैब, ये टिकट काउंटर है। तो इसमें जो है एंट्री फीस वह है 100 रुपये फॉर फॉरनर, मतलब हम लोग फॉरनर हो गए क्योंकि विदेशी लोग हैं। तो इसमें मतलब 100 रुपये नेपाली रुपए के हिसाब से उनको देना पड़ा हुआ है, 4 लोग का 400 रुपये। तो ऐसे कुछ कैब का कुछ ऐसा दिखा रहे हैं रास्ता, हाँ मैंने कहा नहीं आज क्योंकि मैंने बोला कि तू नेपाली में बात करना तो हमको 50-50 200 रुपये पड़ेंगे, लेकिन उन्होंने शकल देख के ही मतलब सीधे 100-100 रुपये पर्ची काटी, हमको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम लोग ज़्यादा चालाक बने तो हमसे ज़्यादा चालाक है। देखा
तो ये रास्ता है केव का, मस्त। हाँ मम्मी आएगा, जल्दी आओ पापा, जल्दी आओ मम्मी। ये गुफा के अंदर घुस जाओ। ओ बहुत प्यारी गुफा है ना, हम लोग कहीं एक गुफा में गए थे वहाँ, मतलब वो अलग ही टाइप की थी, ये बहुत ही ज्यादा अलग टाइप की है। देखते रहिएगा, आओ आओ करके गाली मत खिलाइए। पूरे जानवर को पानी पानी मिल रहा है। हां गिरा को पे है पूरी तो वो बड़ी लंगर ना है यार भाई। ये देखो, ये आते आते में देखो पूरा लाइमस्टोन का है। ये देखो पत्ता लाइमस्टोन का है ना, जिंदा पत्ता मजा आ गया। अभी और नीचे जा रहा है, काटो काटो, और नीचे जा रहा है। गुफा के अंदर है, देखिए गुफा के अंदर वो उधर पे डेविस फॉल का झरना दिखाई दे रहा है। डेविस फॉल है वो, ऐसा ही है बिल्कुल एकदम सा। ये पूरी है गुफा, देखिए आप, बहुत बड़ी और ऊंची गुफा है। मम्मी ऊपर ही खड़ी हुई है बस। आ गए हैं फेवा लेक के बिल्कुल बैंक में, वो उधर है आपके मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है। उस मंदिर की एक ऐतिहासिक कहानी है, वो आपको मैं उधर जाके बताऊंगा। साथ साथ में आप देख सकते हैं कुछ बोटिंग के चार्ज ऐसा कुछ लिखा हुआ है, जो मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। इसमें लिखा है 40 सहित एक घंटा 1100 रुपये, चालक सहित 2 घंटा 2000 रुपये, ऐसा कुछ लिखा हुआ है 1300 ऐसा, मतलब कुछ। अभी इनसे पता करके आपको बताऊँगा, जो बोट हम लेके जाएंगे तो मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। निशान रेड वाला, तो ये है नेपाल का झंडा। नेपाल का झंडा है कुछ इस कलर का होता है। तो हम लोग आ गए हैं माता जी के मंदिर में अंदर, और साथ साथ में देखिए इस लेक का व्यू मेरे कैमरों की नज़रों से। हम लोग आए से वहाँ से बोट में और यहाँ तक पहुँचे 5 रुपये पर पर्सन नेपाली रुपए में, यानी 1 2 3 4, तो हम लोग इन लोगों का हमको देना पड़ता है। वैसे नेपाली अगर लोग हैं 60 रुपये, अगर आपका कोई नेपाली आती है पैसे पत्र मांगते हैं 60 रुपये आप दो। फिर मम्मी लोग यहाँ बात करने लगे ना हिंदी में, मना कर नहीं करते तो क्या करते, तो कोई बात नहीं, 5 रुपये हम लोग को देना पड़ा यहाँ तक आने। बन्नी माता का मंदिर हम लोग आए थे वहाँ से बोट से, उसमें हमने 105 रुपये दिए थे इंडियन रुपीज़ के आपसे, वो मैंने आपको पहले बता दिया। तो अरे यार कबूतर ने कबूतर बहुत है पटे, कबूतर ने देखो ऊपर हाथ के ऊपर कटी पट्टी। तो मैं क्या करता कि ये जो मंदिर है, ये आप पीछे लेक देख रहे हो ना पूरी, यहाँ पे फेवा लेक, जो फेवा लेक है इसके नीचे असंख्य गाँव डूबे हुए, मतलब इस लेक के नीचे बहुत सारे गांव डूबे हुए हैं। एक बार क्या पता कि माता जी ने भिखारी का रूप लिया था, वो सबसे पैसे मतलब मांगे थे, किसी ने दिया नहीं, लेकिन इस मंदिर के पास में जो रहते थे उन लोगों ने उनको दिया। तो उन्होंने बताया कि कल को यहाँ पर आपदा आने वाली है, तो आप सुबह कहीं और चले आना, उनसे ऊपर कहीं जाने के लिए बोला था। लेकिन वो मतलब सुबह गए तो जहाँ पूरी आपदा आ गई थी, तो ये हिस्सा इतना आपदा के टाइम में मतलब यहाँ पर पानी पानी जो भरा हुआ ना, ये हिस्सा बचाया। तो उन्होंने फिर यहाँ आके माता जी का मंदिर बनवाया, तो लोग आते हैं और दर्शन करते हैं और बहुत ज़्यादा उन लोग की मनोकामना पूरी होती है। तो हम देखते हैं कौन से रेस्टोरेंट घूमेंगे दोबारा यहाँ पे पोखरा में, और घूमते हैं अभी कुछ 2-3 रेस्टोरेंट और बची हुई है वो घूमते हैं। फिर आप अगर आपको करनी है पैराग्लाइडिंग, तो ये जो हम सुबह गए थे ना
मॉर्निंग में तो वहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है, वो ऊपर वाले टॉप से वहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है और वो वहाँ उतारा जाता है। और अगर आपको ये करीब आपको 35 नेपाली रुपये में आपको पैराग्लाइडिंग आराम से हो जाएगी। साथ साथ में यहाँ पैराग्लाइडिंग के साथ साथ यहाँ पे है अल्ट्रा लाइट, ये आप देख रहे हैं आसमान में, ये तो जहाज़ टाइप का दिखता है लेकिन है पैरा टाइप का। तो ये अल्ट्रा लाइट आपको वो ऊपर जो स्तूपा दिखाई दे रहा है अभी हम जहाँ जाने वाले हैं, इसके बाद हम वहीं जाने वाले हैं, वहाँ एक बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है नया, और साथ साथ में बौद्ध स्तूपा भी है, एक नया मंदिर बना हुआ है अभी कुछ ही दिन पहले, तो वो वाला मंदिर हम देखेंगे। तो वो अल्ट्रा लाइट आपको ना ऐसे गोल घुमा के उस स्तूपा के पास से निकालेगा। तो उसका जो है वो नेपाली रुपीज़ 8,000 है, इंडियन रुपीज़ है 5,000 रुपये। तो आप उसमें भी अल्ट्रा लाइट में ऐसे घूम सकते हैं। ऐसे सामने देखिए ये पैराग्लाइडर आपको पूरा लेक का व्यू दिखाएंगे, वो भी लेक का व्यू दिखाएंगे। और ये है पूरी फेवा लेक, तो यहाँ पे बहुत सारी लेक हैं, तो फेवा लेक सबसे बड़ी है और आप यहाँ आराम से आके बोटिंग कर सकते हैं, उस मंदिर पर जा सकते हैं, ऐसे पूरे उसमें घूम सकते हैं। बोटिंग का चार्ज मैंने आपको पूरा दिखा दिया है, INR और नेपाली रुपये दोनों में। एक ऐसे रास्ते में गाड़ी चलानी पड़ रही है, ये एक शिव जी की जो मंदिर टेम्पल है ना, तो ये वहाँ ही रास्ता जा रहा है, तो हम लोग फिलहाल उधर ही जा रहे हैं घूमने के लिए। ये भी एक पोखरा की एक विजिटिंग साइड है, इसमें चढ़ाई बहुत है और पर से रोड की अभी नई रोड बन रही है, ये शायद कटी हुई है नई रोड, तो हम उसी रास्ते जा रहे हैं अभी। तो आप रोड की कंडीशन देखो, और वो देखो ऊपर शिव जी का मंदिर दिख रहा है आपको, वो टॉप में जहाँ हम जाने वाले डम्परू कितना बड़ा है ना, तो यहीं पर ही है पार्किंग। देखो पीछे हमने पार्किंग में गाड़ी करी, कैसा लगी आपको यहाँ की राइड अभी? पापा को बहुत झंझट लगी, रोड है, रोड की कंडीशन बड़ी ख़राब थी तो इसलिए हम लोग आ तो गए ऊपर तक, लेकिन नीचे भी जाना भी बहुत टफ टास्क है क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल बहुत गड्ढे गड्ढे हैं। ऐसी रोड है आप देखो ना, ये यहाँ पर तो फिर भी अच्छी है, नीचे पूरी मिट्टी मिट्टी है। देखो इतने ऊपर भी लोगों ने होटल बना रखे हैं। एक्चुअली मैं ना इसलिए ज़्यादा खुश हूँ कि गवर्नमेंट ने, नेपाल की गवर्नमेंट ने नेपाल के लोगों के लिए, लोकल लोगों के लिए टूरिज्म के इतने अवसर दिए हुए हैं हद से ज़्यादा। देखिए यहाँ पर इतने टॉप में उतनी बड़ी शिव जी की मूर्ति का निर्माण किया गया है, जहाँ से पूरा पोखरा बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है, ऐसी कंडीशन है। देखिए पैर चल चलते हुई हालत ख़राब, उसको देखो यहाँ से दिखाई दे रहा पोखरा का व्यू, साथ साथ में लेक, उस लेक के किनारे पे उतरे हैं पैर ग्लाइडर, वो उधर से टॉप से चल रहे और वो नीचे उतर रहे। ये टॉप है वो शिवशंकर भोलेनाथ की मूर्ति जिस मंदिर में हम लोग आए हुए हैं। नीचे देखिए पेवा लेक है और वो सामने यहाँ पे बौद्ध स्तूप है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। ये पूरा है पोखरा सिटी और वो उधर पे कोने पे है जहाँ पे इसका एयरपोर्ट है। तो ऐसा कुछ नज़ारा है इस व्यू से, कितना प्यारा जबरदस्त लग रहा है, काफ़ी मज़ा आ गया। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये लेक देखिए कितनी बड़ी है, वहाँ से स्टार्ट होती है और वो उधर ख़त्म होती है। तो ये देखिए कैसा लग रहा है, हाँ कितना कैसे लग रहा है, उधर देखा उधर का नज़ारा देखो आप सामने का, ये घाटी देखो पूरी वैली, वो नीचे है पार्किंग गाड़ी की, और आप देखिए शिवशंकर भोलेनाथ की ये मूर्ति। अभी तो थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, जिस दिन पूरा काम हो जाएगा तो दिन बहुत ज़बरदस्त लगेगा। और इतने सारे शिवलिंग हैं और ये मंदिर कितना प्यारा है, ये देखिए, ये देखिए पूरा नज़ारा है, देखिए क्या जबरदस्त है। आ रही है लेकिन हमने जो स्टार्ट किया था अपना पोखरा का विजिट मॉर्निंग में किया था वो वाली पहाड़ी से, वो सामने जो दिखाई दे रहे हैं ना, वहाँ से सनराइज बहुत अच्छा दिखाई देता था, लेक का व्यू अच्छा दिखाई देता था। और अभी हम इवनिंग में कर रहे हैं इन इस शिव जी के मंदिर में, मैं भी बहुत सारी चीज़ें छूट गई हूँ, लेकिन मुझे जो जो लगा कि जो जो इम्पोर्टेंट है, जो अच्छा है वो आपको दिखा दूँ। इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें विजिट कर सकते हो यहाँ पे। हम लोग का सिर्फ ये था कि जो मेन और फेमस प्लेस थे हमने वो एक्सप्लोर करना था। एक ये प्लेस बिल्कुल नया अभी ये बना था, थोड़ा यहाँ गाड़ी चलाना टफ है, लेकिन फिर भी आप यहाँ आ सकते हैं, इतना ज़्यादा भी कोई टफ नहीं है। शिव जी की कृपा रहेगी तो ज़रूर आइएगा। और देखिए आपको नेपाल टूरिज्म को भी आपको मतलब इसके लिए प्रोत्साहन देना पड़ेगा, नेपाल टूरिज्म को भी,
क्योंकि उन्होंने इतने टॉप पे इतनी अच्छी शिव जी की मूर्ति बनाई हुई है। अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जो बताइए। अगर चैनल पर नए आए हैं तो आदि ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पूरी को फैला दीजिए। गोखा वैसे पहले ही फेमस है, लेकिन साथ साथ मुझे भी फेमस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तर।